हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का ये जो वीडियो होने जा रहा है, इसमें मैं बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहां पे एक एलईडी है, वो फ्लैश कर रहा है। यानी ये जो है, ये एक रिले फ्लैशर सर्किट है, जिसमें हम लोगों का एलईडी जो है वो फ्लैशिंग होता रहता है। ऐसे ही आप लोग देखे होंगे मोबाइल टावर के ऊपर जो होता है, मोबाइल टावर का स्ट्राइब। ठीक है, तो चलिए इस सर्किट को बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग एक रिले फ्लैशर सर्किट को बना सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हम लोगों का रिले का इनो और एनसी कॉन्टैक्ट कौन सा है। उसको देखने के लिए हम लोगों को चाहिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे, जो अभी भी कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी मोड को पास करेगा वो होगा एनसी कॉन्टैक्ट यानी नॉर्मली क्लोज्ड, और दूसरा वाला होगा इनो कॉन्टैक्ट। तो ये है मिडिल वाला, देखिए ये कंटिन्यूटी पास कर रहा है, यानी इस साइड वाला जो पिन है ये है हम लोगों का एनसी कॉन्टैक्ट, और इस साइड वाला जो है वो है एनो कॉन्टैक्ट। तो चलिए एनसी कॉन्टैक्ट को मार्क करके रख लेते हैं। इस साइड वाला है एनसी, इस साइड वाला है एनो। फ्रेंड, हम लोगों का जो रिले फ्लैशर सर्किट है वो हो गया है रेडी। तो अभी इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। उसके लिए आप लोगों को बोल देता हूँ कि मेरे को चाहिए एक 9 वोल्ट का सोर्स। आप लोग एक 9 वोल्ट का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 9 वोल्ट का बैटरी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया है जो था। तो मैं एक 9 वोल्ट का सोर्स बना लिया हूँ, जो कि मेरा लैपटॉप का चार्जर का वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 9 वोल्ट कर देगा। तो जितना मैं सोर्स लिया हूँ वो हम लोगों को वो मल्टीमीटर में दिख जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं ऑन करूँगा आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे ये जो एलईडी है वो फ्लैशिंग होना चालू हो जाएगा। ये जो पूरा फंडा है, ये पूरा ही सर्किट का कमाल है। आप लोग सर्किट देख लीजिए, अच्छे से देख के बनाइए, ये 100% काम करेगा। तो चलिए एक बार ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों का रिले फ्लैशर सर्किट कैसे काम करता है, और ये जो एलईडी है वो कैसे फ्लैशिंग होना चालू हो जाता है। ये मोबाइल टावर के ऊपर आप लोग देखे होंगे कि एक रेड कलर का कुछ बल्ब टाइप का जलता निभता रहता है, वो सिग्नल देता है कि यहाँ पे एक मोबाइल टावर है। उसको कुछ स्ट्राइब बोला जाता है, मोबाइल टावर स्ट्राइब बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ़िलहाल हम लोगों का ये जो रिले फ्लैशर सर्किट है इसको ऑन करके देख लेते हैं। देखिए हम लोगों का सोर्स जो है वो है 9 वोल्ट का, और ये हो रहा है हम लोगों का एलईडी फ्लैश।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लगा है अच्छा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बाय।